हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपो की रसोई में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को बहुत ही नई रेसिपी, जो कि हम चावल लिए हैं, बचा हुआ चावल है ये हमारा। हम चावल अक्सर बचता है तो हम इसे इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन ये चावल से आज हम बहुत ही नई रेसिपी बनाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये रेसिपी, सभी लोग उंगलियां चाट चाट के खा जाएंगे, इतनी अच्छी रेसिपी बनेगी। तो हम आपको रेसिपी बताते हैं। यहाँ हम लिए हैं प्याज, प्याज को हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए हैं। ये हम लिए हैं शिमला मिर्च, शिमले मिर्च को भी हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए हैं। ये है हरी मिर्च और ये टमाटर के टुकड़े काटे हैं बारीक बारीक। और इसमें हम डालेंगे ये मूंगफली, जो कि मूंगफली को हम हल्का से मिक्सी में चला लिए हैं। और ये है सूजी, सूजी बहुत ज़्यादा नहीं, एक या दो चम्मच ही हमें चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सूजी का। और हमको चाहिए बेसन। तो अब हम आपको रेसिपी बनाकर दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा रेसिपी बनता है बचे हुए चावल से। तो आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम चावल लेंगे, ये बचा हुआ चावल है, आज हम इससे रेसिपी बना रहे हैं। तो हम चावल को डाल देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे ये जो काट के रखे हुए हैं सब्जियाँ। तो इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे, आप चाहे तो पत्ता गोभी भी डाल सकती हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सब्जी पसंद है। तो हम डाल दिए, अब इसमें हम मूंगफली डाल देंगे, जो ये मूंगफली बिल्कुल बारीक हम पीस लिए हैं, देखिए। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज जो बारीक काट के रखे हुए हैं। और इधर हम डालेंगे अब सूजी, सूजी बहुत ज़्यादा हम नहीं लिए हैं, आप देख सकते हैं बड़े वाले चम्मच से थोड़ा सा कम है। और इसमें अब हम डाल देंगे ये बेसन, तो बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, हम इसका हाफ पहले बेसन डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। और इसमें कर लेंगे नमक है, आपके कोलेस्ट्रॉल को, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके एलडीएल यानी बुरे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, कम करता है और आपकी ब्लड शुगर को भी मैनेज करता है। अर्जुन के कितने सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, कि इसको क्यों माना जाता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, यानी आपके दिल की सेहत के लिए। और इसमें अब हम डालेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर, यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। और इसमें अब हम डाल रहे हैं जीरा, खड़ा जीरा है, खड़ा जीरा हम एक चम्मच डाल देंगे। और इसे अब हम अच्छे से फेंट लेंगे। जो आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, वो होती है कैसियर सिनेमन, ये आती है चाइना से। और ये थोड़ी आपको कोई भी और नुकसान, तो देखिए अब इसे हम फेंट लिए हैं, फेंट कर इसे रेस्ट करने के लिए दो मिनट रख दिए थे, अब हम आगे बनाएंगे। तो यहाँ हम पैन चढ़ा दिए हैं, गर्म हो गया है। और ये हम लिए हैं सरसों का तेल, तो इसे हम बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों तरफ फैला देंगे अच्छे से। दो महीना, तीन महीना, चार महीना रहे आप इसको ले सकते हैं। अगर उसके बाद आपको लगता है तो आप 10 मिनट करके दोबारा, थोड़ा तेल गर्म हो जाए फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम डालते हैं इसको जो हम वेटर बना के रखे हुए हैं। तो इसे हम हल्के हल्के हाथों से फैला देंगे, देखिए
हम फैला दिए हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। और अब हल्का हल्का तेल हम ऊपर से डाल देंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और इसे हम अच्छे से पकने देंगे। बढ़िया होम मेड ड्रिंक आपको देंगे, लेकिन आपकी ओवरऑल हेल्थ को और आपकी वेलबींग को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो अगर हम बात करें आलू खा की, उसके बारे में पूरी डिटेल तो वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, जिसको अगर आप चाहें इसे हम हल्के हल्के किनारे का छुड़ा लेंगे आराम से। से पलट लिए हैं, बहुत ही अच्छा सेक कर रेडी हुआ है। तो इधर का भी हम सेक लेंगे अच्छे से और हल्का हल्का तेल लगा देंगे इधर भी किनारे की, अच्छे से पक जाए हमारा ये चिल्ला। तो देखिए मेरा ये बन के बचे हुए चावल का न्यू रेसिपी बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। ये यकीन मानिए कोई नहीं कह सकता है कि ये बचे हुए चावल का हम बनाए हुए हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। आप सभी लोग ज़रूर बनाइएगा और बना के खा के ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूला करिए। और हाँ, मेरे चैनल को अभी तक आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप मेरे वीडियो को देख सकें सबसे पहले। और अब मैं इसी वीडियो के साथ अपना वीडियो आज का यही बंद करती हूँ। तब फिर कल मैं फिर आप सभी लोगों से मिलूंगी कुछ ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ। आप सभी लोग अपना ध्यान दीजिएगा। बाय।